वेलकम टू इजी बे। इजी बे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं टाइम एंड वर्क, ठीक है। टोटल तीन वीडियो इससे पहले हम लोग देख चुके हैं टाइम एंड वर्क की, जिसमें पूरा थ्योरी पार्ट हम लोग देखे हैं, यानी कि जितना भी टाइम एंड वर्क की कॉन्सेप्ट है। क्योंकि इस वीडियो में हम बता चुके थे कि हमारे चैनल पर जितने भी मैथ के चैप्टर है सबका एकदम डिटेल शुरू से एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और इन्फिनिटी लेवल तक ले जाएंगे, ठीक है। तो तीन वीडियो हम लोग बना चुके हैं टाइम एंड वर्क का, जिसमें सिर्फ थ्योरी है, थ्योरी प्लस फार्मूला है, ठीक है। जिन जिन स्टूडेंट का टाइम एंड वर्क एकदम जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, वो आप मेरे चैनल पे तीन वीडियो जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं, ठीक है। उस तीनों वीडियो में एकदम जीरो लेवल से हम थ्योरी को स्टार्ट किए हम उसका, और टाइम एंड वर्क को ये भी समझाएं कि हम लोग क्यों पढ़ते हैं टाइम एंड वर्क को, हम लोग को पढ़ने का क्या आवश्यकता पड़ी है, इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, सारा कुछ अच्छे तरह से हम लोग बात किए हैं। अब हम ये जो चौथी वीडियो है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं, चौथी वीडियो इसमें हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉब्लम, ठीक है। थ्योरी हम लोग अब देख चुके हैं, अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पीयूष ने 30 दिन में एक कार का 1/3 भाग पूरा कर लिया है, ठीक है। संजीव बचा हुआ कार 60 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर यह कार कितने दिन में करेगा। देखिए इसको तो बनाने में कितना कम टाइम लगेगा, कितना कम सेकंड में बनेगा वो आपको बताएंगे, लेकिन अभी क्योंकि हम अभी सॉल्यूशन बता रहे हैं, डिस्क्राइब करके दे रहे हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन जब आप सीख जाइएगा तो इसको आप 2 सेकंड में बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए पीयूष जो है वो 30 दिन में कितने काम को करता है, 1/3 भाग काम को करता है, ठीक है। तो देखिए किसी काम को 1/3 भाग कितने दिन में करता है पीयूष, 30 दिन में। तो पूरा यानी कि 100 भाग को पूरा करने में उसको कितना टाइम लगेगा, 30 × 3 यानी कि 90 डे, ठीक है। इस पहला लाइन से आप ये सीख गए, इतना निकाल लिया, ठीक है। यानी कि देखिए आप किसी काम को 1/3 30 दिन में करते हैं, तो उसी काम को पूरा करने में आपको कितना 90 दिन लगेंगे, ठीक है। अब अगला क्या कर रहा है कि संजीव बचा हुआ काम कितना, तो देखिए पीयूष कितना किया था, 1/3 कर दिया था, तो बचा हुआ काम क्या होगा, 1 − 1/3 यानी कि 2/3, ये बचा हुआ काम है, बचा हुआ काम है, ठीक है। तो बचा हुआ काम यानी कि 2/3 भाग पीयूष कितने दिन में करता, संजीव कितने दिन में करता है, 60 दिन में करता है, ठीक है, ये समझिए। तो देखिए 2/3 भाग काम कितना दिन में, 60 दिन में संजीव करता है, ठीक है। तो पूरा भाग को काम करने में कितना टाइम लगेगा, 60 × 3/2 = 90 दिन, ठीक है। अब देखिए दूसरा लाइन जब आप क्वेश्चन का पढ़े तो ये निकल गया, यानी कि पीयूष 1/3 भाग कितने दिन में करता है, 30 दिन में। तो पूरा भाग आपको किसी काम को करने में 90 दिन लगेगा पीयूष को। अब उसी काम बचा हुआ काम को पीयूष, बचा हुआ काम कितना, 1 − 2/1/1 − 3, तो बचा हुआ काम 60 दिन में करता है, तो पूरा करने में कितना 90 दिन में लगेगा। अब देखिए पीयूष को भी पूरा काम करने में 90 दिन लग रहा है अकेले, संजीव को भी पूरा काम करने में 90 दिन लग रहा है। जब दोनों मिल करके पीयूष प्लस संजीव दोनों मिल करके काम करेगा तो कितना लगेगा, तो इसका जो होता है 1/19 + 1/19, ठीक है। तो ये आपका हो गया 91 + 1 = 2/90, तो आपका जो रिजल्ट होगा वो होगा 1/45 दिन। तो दोनों मिल करके पूरे समय में लगा हुआ, दोनों तो क्या कहता है, दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, तो होगा 45 डेज, दोनों मिलकर के कितने दिन में, 45 डेज में काम करेंगे, समझे। इसको एक बार समझते देखिए, पहला लाइन आप देखिए, जब भी आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनाने चलते हैं तो जैसे ही आप पहला लाइन यानी कि पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं, पहला सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं, तो उससे आप रिजल्ट निकाल लीजिए। जैसे देखिए हम पढ़े कि पीयूष ने 30 दिन में एक कार को 1/3 भाग पूरा करता है, तो 1/3 भाग कितने दिन में, 30 दिन में, तो ये पूरे करने में 90 दिन लगेगा। फिर अगला हम पढ़े संजीव इतना बचा हुआ इतना, तो बचा हुआ इतना तो पूरा करने में 90 दिन, तो पीयूष को भी 90 दिन लग रहा है, संजीव को भी 90 दिन लग रहा है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा, 45 दिन में, ठीक है। 1/19 ऐड कर दिए, इसको रिवर्स कर दिया, 45 दिन में। आई होप ये वीडियो आप ये क्वेश्चन आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो जितने कैंडिडेट, एक आपसे हम पूछना चाहते हैं कि जितने भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को समझ गए और ये क्वेश्चन को बन गया आपसे, वो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि हम समझ पाएँ कि हाँ इतने स्टूडेंट इस क्वेश्चन को समझें, ताकि मेरा मेहनत सफल हुआ, ठीक है।
अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक पाइप ने एक टैंक को 24 घंटा में भरता है। देखिए एक पाइप है, ठीक है, एक टैंक को कितने घंटे में भरता है? 24 घंटे में भरता है, भर देता है, ठीक है। तल में रिसाव के कारण ये मतलब देखिए छेद के कारण ये 36 घंटे में भर सकता है। देखिए मान लीजिए कुछ उसके लीकेज होगा, लीकेज के कारण 36 आवर लग जाता है, ठीक है, में भर सकता है। यदि दोनों आधा भरा हुआ है, यदि टैंक आधा भरा हुआ है तो उस रिसाव से टैंक कितने समय में खाली होगा? देखिए ये टंकी है, ठीक है, इसमें एक नल लगा हुआ है जिससे पानी भरा जा रहा है, पानी भरा, इसमें मान लीजिए एक छोटा सा छेद है, होल है, ठीक है। तो देखिए अगर ये होल नहीं रहता, अगर ये होल नहीं है तो ये जो नल है इसके ये टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा? 24 घंटा लगता है, 24 घंटा में ये टंकी को फुल कर देता है। लेकिन यहाँ पे ये होल है तो जिसके कारण ये टंकी, ये जो नल है, ये टंकी को कितने दिन में? 36 घंटा में पूरा कर पाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन गिवेन है, ये दिया हुआ है। अब कह रहा है, अब क्या कह रहा है कि देखिए अब कह रहा है कि ये टंकी आधी भरी हुई है, आधी भरी हुई है, आधा भरा हुआ है, ठीक है, आधा भरा हुआ है। तो ये जो होल है, देखिए उस रिसाव से टैंक कितने समय में खाली करता है? तो जो ये होल है, ये होल इस आधी भरी टंकी को कितने टाइम में खाली कर देगा? समझे क्वेश्चन को, एक बार फिर से समझिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ये टंकी है जिसमें एक नल लगा हुआ है, तो ये टंकी को पूरे 24 घंटा में भर देता है, ठीक है। लेकिन एक होल होने के कारण ये जो नल है ये 36 घंटा में भरा जाता है, ये जो टंकी है ये नल के द्वारा 36 घंटा में भरा जाता है, ठीक है, इतना दिया हुआ है। दूसरी लाइन में, तीसरी लाइन में बोल रहा है कि ये टंकी आधी भरी हुई है और इसमें ये होल है, तो ये होल ये आधी भरी हुई टंकी को कितने टाइम में खाली कर देगा? ये क्वेश्चन है, समझिए क्वेश्चन। अब हम लोग इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखिए 24 घंटे में टंकी को पूरी कर देता है, तो एक घंटे में, एक आवर्स में कितना करेगा, कितना भाग करेगा? 1/24। लास्ट तीसरा वीडियो हम लोग बनाया है टाइम एंड वर्किंग में, उसमें ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है नल एंड टाइम पे, एक अलग से नल एंड टाइम का थ्योरी पे एक अलग से वीडियो बनाया है, उसमें आप देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं कि जब 24 घंटे में किसी टंकी को फुल करते हैं तो उसका एक आवर्स में उसका इतना भाग भरेगा नल, ठीक है, 1/24 भाग टंकी का नल भर देगा एक घंटे में, ठीक है। अब देखिए माना रिसाव यानी जो होल है एक्स घंटे में टैंक को 24 घंटे में कितना कर देता है? तब माना रिसाव एक्स घंटे में टैंक को खाली कर देता है, ठीक है। इसमें देखिए ये निकालना है कि कितने घंटे में खाली करता है। हम मान लिए कि एक्स घंटे में टैंक को खाली कर देता है, तब क्या होगा? 1/x = क्या हो जाएगा? 1/24 - 1/36 है। 24 घंटे में जब रिसाव नहीं जाता है तब भरा जाता है, रिसाव होने के कारण 36 घंटे में भरा जाता है। 24 - 36 का एलसीएम लेंगे तो आपका 72 हो जाएगा, ये आप लोग ले लीजिएगा। ये अगर जो एलसीएम लेने बैठेंगे तो वीडियो लंबा, टाइम वेस्ट होगा आपका, ठीक है। तो 72 हो गया, तो 72 - 3 - 2 24 + 3 = 72 यानी कि 1/72, ठीक है। देखिए तो जो ये कितना एक्स 1/x = क्या हो गया? 1/72 आवर्स। तो x = क्या हो गया? 72 आवर्स यानी 72 घंटे। अगर ये टंकी पूरा भरा होता तो इसको होल को खाली करने में कितना टाइम लगता है? x टाइम लगता माने थे, तो x = कितना हो गया? 72 घंटा। लेकिन ये टंकी आधी भरी हुई है तो इसको खाली करने में कितना लगेगा? 36 घंटा यानी कि 72/2 यानी 36 घंटा, इतना राइट आंसर, ठीक है। कितने स्टूडेंट को ये वीडियो समझ में आ गया? अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो फिर से आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि हमें एहसास हो कि मेरा जो मेहनत है वो आप लोगों तक पहुँच रही है, ठीक है। आगे क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर थ्री क्या कहता है कि देखिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए इस जो हमारे जो चैनल है, EGB चैनल है, इस पे हम ना कुछ नहीं करते, ना आपका टाइम वेस्ट करते हैं, ना हंसी मजाक करते हैं, ना जोक करते हैं, ना कुछ, ना हम किसी चीज़ का एडवर्टीजमेंट करते हैं। बस सिंपल सा जो जितने भी मतलब कि जो हमें
गुण है जो मेरे अंदर है वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं, जो भी हम अभी तक सीखे हैं वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं एक वीडियो बना के एक हेल्प करके माध्यम से, ताकि जितने भी स्टूडेंट हैं वो अगर हमारे वीडियो से कुछ भी जैसे कि कुछ भी सीख सकें, उनके लाइफ में कुछ भी फ़ायदा हो सके, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और अगर हमारे वीडियो से हमारे चैनल से आप कुछ भी सीख पाते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि मेरा मनोबल बढ़े और आपके लिए और अच्छे से अच्छे मेहनत करके कंटेंट लाएं। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि किसी कार्य को एक पुरुष या दो स्त्री या तीन लड़के 88 दिन में कर सकते हैं, एक पुरुष एक स्त्री और एक लड़का उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन फिर भी आपको समझाना मेरा फर्ज है, आपको समझाएंगे अच्छे तरीके से, समझिए। देखिए क्या दिया हुआ है, गिवन क्या दिया हुआ है कि एक पुरुष, ठीक है, एक मेल, दो फीमेल और तीन बॉयज किसी काम को कितने दिन में करता है, 88 दिन में करता है। ठीक है, देन तब एक मेल एक फीमेल एक बॉय उस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए इसका सिंपल बनाने का तरीका है, इतना मिलकर कितने दिन में करता है, टोटल दिया हुआ काम दिया हुआ 1/1 प्लस एक एक निकालना है, एक मेल एक मेल 1/2 कितने फीमेल है प्लस 1/2 कितने बॉयज है, 3 दिया हुआ, कितना 3/3 एक वे निकालना है। तो ये देखिए 88/1, 2, 3 का एलसीएम लेंगे 6 होगा, 6 + 3 + 1 तो ये हो गया 88/ आपका हो गया, सॉरी 2 होगा, यहाँ पे आपका हो गया 11/6 अब देखिए 88/11/6/1 कर दिए, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 88 × 6/11 तो इसको 8 से गुना करेंगे तो 8 × 6 = 48 इज द राइट आंसर। तो इसका आंसर जो हो गया वो एक मैन, देखिए क्या क्वेश्चन देगा कि एक मैन दो एक और एक पुरुष दो स्त्री तीन लड़के किसी काम को कितने दिन में करता है, 88 दिन में करता है। तो एक पुरुष एक स्त्री एक लड़का उसी काम को कितने दिन में करेगा, 48 दिन में करेगा। समझ गए आप लोग इस तरह से को, यानी कि टोटल दिया हुआ काम भाई अगर एक एक निकालना है तो एक बार इतना जो जितना दिया हुआ, एक मेल दिया हुआ है दो गर्ल्स दो फीमेल दिया हुआ है तीन बॉय दिया हुआ है, तो 1/2 निकालना कितना, एक एक का निकालना। इस तरह से करके एलसीएम लेके ऐसे सोल्व कर जाएगा। अगर मुश्किल से देखिए ये सीखने में आपको इतना टाइम लग रहा है, ठीक है, अगर जो आप एक बार सीख गए हैं प्रैक्टिस कर लेते हैं आपको इसको दो सेकेंड या 2 से लेकर 5 सेकेंड में आप ये क्वेश्चन बना करके टिक करके एग्जामिनेशन में आप चले आइएगा, ये मेरा दावा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि ए और बी दो अलग अलग पाइप है, ठीक है भाई, ये एक पहला पाइप है, ए पाइप इसका नाम दे दिए, दूसरी जो पाइप है ये पाइप बी है, ठीक है, इतना हो गया। एक टैंक को क्रमशः से 2 घंटे और 3 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है भाई, एक टैंक ले लिए तो ये कितने घंटे में भर सकते हैं, 2 घंटे में भर सकते हैं, बी कितने घंटे में, 3 घंटे में इस टैंक को भर सकते हैं भाई, ठीक है, मान लिया। यदि दोनों पाइपों एक साथ खाली टैंक में खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में भर लेगा, ठीक है, अगर दोनों पाइप, एक पाइप इधर लगा दिए हम, एक पाइप इधर लगा दिए, ठीक है, ए इधर है बी इधर है, ये भी भर रहा है ये भी भर रहा है, तो बताइए कि कितने समय में भरेगा। ठीक है, तो देखिए एक किसी काम को एक पाइप 2 घंटे में भरता है, बी 3 घंटे में भरता है, 3 घंटे में भर सकता है। अगर दोनों एक साथ कर दिए ए एंड बी, तो इसका जो फार्मूला हम बताए थे लास्ट वीडियो में, ए मल्टीप्लाई बाय बी बाय ए प्लस बी, इसका डायरेक्ट ये फार्मूला है। ये फार्मूला हम आपका इसको अच्छे से डिस्क्राइब करके बताएं आपका, जब टाइम हम वर्क पहला वीडियो आपको जब पढ़ाए थे, पहला चैप्टर पहला लेसन जब था उसमें ये हम बताए हैं, ठीक है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आपको, उस लिंक पे जाके आप, अगर जो आपको नहीं पढ़े हैं, अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या है, ए इंटू बी बाय ए प्लस बी, तो इसका जो हो जाएगा ए कितने घंटे में, 2 घंटे में, बी कितने घंटे में, 3 घंटे में, ए प्लस बी कर देंगे यानी 6/5, इसको पुणे में छोड़ेंगे तो 1/60/25 घंटे इधर राइट आंसर। ठीक है, यानी इसका जो हो गया आपका, अगर जो इसको मिनट में करेंगे तो 1 घंटे 12 मिनट
ठीक है, ये दी राइट आंसर। ठीक है, चौथा क्वेश्चन समझ गए हम लोग। अब हम लोग चलते हैं पांचवा प्रश्न की ओर। देखिए आप लोग सभी लोग जानते होंगे, जितने भी प्रश्न लिए हैं वो सब, देखिए देखिए एक स्त्री पे भी ले लिए हम, मतलब कि एक आदमी इस काम को, एक आदमी, एक एक मेल, एक बच्चा, ये सब इस दिन में करता है, तो ऐसे ऐसे करके इस प्रकार का एक क्वेश्चन देखिए देखे होंगे आप, कि जितने मेरे जितने भी क्वेश्चन हैं सब अलग अलग प्रकार के हैं, किसी एक पैटर्न पे नहीं बना हुआ है, सब अलग अलग कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन बना हुआ है, ताकि कि आपका बहुत सारा वेरायटी का कॉन्सेप्ट आपके अंदर पकड़ में आए, आपके दिमाग में बैठे, और इसका हेल्प आपको, बेनिफिट आपको एग्जामिनेशन में मिलेगा। ठीक है, ये जो पांचवा क्वेश्चन है ये भी देखिए अलग कॉन्सेप्ट बना हुआ बैठा हुआ है। क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्या है, ए तथा बी कार्य मिलकर 30 दिन में पूरा करता है, उन्होंने एक साथ, देखिए ए एंड बी किसी काम को मिल करके कितने दिन में करता है, 30 दिन में करता है। ठीक है, एक साथ करता है, ठीक है, पूरे कर सकते हैं, उन्होंने एक साथ 20 दिन का काम किया। अब देखिए दोनों ए एंड बी एक साथ 20 दिन तक काम कर लिया भाई, उसके बाद काम किया, उसके बाद बी चला गया, उसके बाद बी को मन बन गया, चलो थोड़ा सा घर घूम के आते हैं, या नहीं करने का मन गया, कुछ भी रीजन होगा, बी काम को बी चला गया, बी काम को छोड़ दिया। ठीक है, तब जब बी काम छोड़ के चला गया, तब ए जो बचा हुआ काम था उसको कितने दिन में किया, 20 दिन में किया। देखिए ए बी जब दोनों साथ था तो उस काम को 30 दिन में पूरा कर देता था, ठीक है, साथ करता था, तो ए और बी साथ में 20 दिन तक काम किया, उसके बाद ए का बी का मन हुआ कि चलो यार नहीं करते अब, तो चला गया वो, तो बी अकेले जो बचा हुआ काम था उसको 20 दिन में किया, ठीक है, पूरा कर दिया। तदनुसार बी अकेले हुआ कार्य करके कितने दिन में पूरा करता, देखिए बी जब चला गया तो ए उस काम को 20 दिन में कर दिया, और अगर ए चला गया होता तो बी उस काम को कितने दिन में करता, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए ए और बी, क्वेश्चन आप समझ गए, अब इसका सोल्यूशन देखिए, ए और बी द्वारा मिलकर काम किया गया कार्य कितना है, 20, ए बी के टोटल ए और बी मिलकर के कितने दिन में करता है, 30 दिन में करता है, लेकिन काम कितने दिन किया, 20 दिन किया, लेकिन टोटल कितना करता है, 30 दिन में पूरा कर देता है, तो इस कितना भाग काम किया, तो इसको 20/30 करेंगे तो ये 2/3, यानी कि 20 दिन में ए और बी मिलकर के 2/3 भाग काम पूरा कर लिया, यानी टोटल काम का इतना भाग पूरा कर लिया। ठीक है, अब बचा हुआ काम कितना है, तो 1-2/3 करेंगे तो बचा हुआ काम आपका इतना काम है, तो बचा हुआ भाग काम, इतना काम ए कितने दिन में किया, 20 दिन में किया, समझ गए आप लोग। ठीक है, तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा, 20×3, पिछले पहला क्वेश्चन बताया था, यानी 60 दिन में पूरा काम करेगा, तो बी का कार्य करने में पूरा समय कितना लगेगा, 60×30/60-30=60 दिन। ये पूछिएगा ये कहाँ से आया, तो इसका इसके भी हम फिर से वही बोलेंगे कि दूसरा वीडियो में इसका फार्मूला को हम प्रूफ किए हैं, डिस्क्राइब किए हैं कि फार्मूला कैसे, जब इसे ये कॉन्सेप्ट ही हम बताए थे कि ये बी मिलकर किसी काम को इतने दिन में करता है, कुछ दिन के बाद ये इसको जनरलाइज करके हम बताए थे, समझे, कुछ दिन के बाद ये छोड़ के चला जाता है तो काम को इतना दिन में करता है, तो बी अकेला उस दिन में काम को कितना करता है, यानी दोनों मिलकर के उस दिन में, इस तरह के सारे डिस्क्रिप्शन, सारा जो कॉन्सेप्ट है वो हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अगर आपको थोड़ा सा डाउट है, यानी आप नहीं देखें, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो यानी बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, 60×30/60-10 यानी 60 दिन में, इज द राइट आंसर, यानी 60 दिन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, टोटल 5 क्वेश्चन देखें इस वीडियो में लोग। ठीक है, एक आखिरी बार बोलना चाहते हैं आप लोगों से कि अगर जो कैंडिडेट यानी कि जो स्टूडेंट ये पांचों वीडियो और पांचों क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ गए, उनको कॉन्फिडेंट है कि अब अगर जो इस तरह से क्वेश्चन आया तो हम 5 सेकंड के अंदर बना देंगे, ठीक है, कम आपसे नहीं छूटेगा, अगर उनको समझ में आ गया होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा, कमेंट में जरूर लिखाइएगा कि हाँ सर हमको पांचों क्वेश्चन समझ में आ गया और अच्छे से समझ में आ गया। अब अगर जो इस तरह से क्वेश्चन आएगा एग्जामिनेशन में या जहाँ कभी मॉक टेस्ट में कहीं भी अगर इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो हमसे छूटेगा नहीं, उसको चुन चुन कर मारेंगे, चुन चुन को बनाएंगे उस क्वेश्चन को। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन जहाँ भी देखेगा उसको चुन चुन के बनाएंगे। अगर ऐसा जिस भी कैंडिडेट को ऐसा जिस भी स्टूडेंट को ऐसा फील हो रहा है वो कमेंट सेक्शन में जरूर एक बार लिखेगा, मेरा रिक्वेस्ट आप सभी से। ठीक है, हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब, अगर हमारा वीडियो से आपको कुछ हेल्प होता है, कुछ समझ में आता है, थोड़ा सा भी अगर जो हेल्प होता है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।